क्या समझ रही थी? तुम इतनी देर से लगे पड़े हो, इससे मर वो करवा, उधर मरवा, इधर इतनी क्या क्या बोल रहे हो? फ्यूचर में वो आसमान पे जाएगी, पर रात को तो मेरे ही नीचे आएगी। ओ फोटो को सीने से यार चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से। अरे सुन, अरे सुनो सुनो, क्या हो गया भैया? रोको रोको यार, रोक लो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल दिल्ली के दिलेर पे। दोस्तों आ चुकी है नई वीडियो और इस वीडियो को बनाने में लगी है बहुत सारी मेहनत, और साथ ही साथ पप्लू शायर ने आज दिल्ली की लड़कियों को सुनाई है फिर से शायरी जो है थोड़ी सी बहुत प्यारी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, कहाँ से आ गए? ऐसे को डर रही हो? कुछ लफड़ा डाउनलोड कर रही थी क्या? पकड़ लिया गया मैंने, मतलब कोई गाना वाना डाउनलोड कर रही थी क्या? कोई गाना डाउनलोड कर रही थी क्या? क्या? मैं एक्चुअली वहाँ से आपको ना जब से देख रहा था तो पूछना चाह रहा था आपसे कि नाम क्या है आपका? आपको नाम से क्या करना है? नाम से क्या करना है? नाम से तो काम करना है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, किससे बात कर रही थी आप? किसी से भी करूँ, आपको क्या चाहिए? मैं कह रहा था मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मतलब कि मैं वहाँ से आपको देख रहा था यहाँ से आ गया मैं। ये कैसी बात हो यार, वहाँ से देख रहे थे यहाँ से? मैं देख रहा था आपको, आप बहुत अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो आप? मतलब क्यों आप इस पार्क के रखवाले हैं क्या? नहीं, रखवाला नहीं हूँ तो खैर दिल वाला। अगर ऐसे बात आ जाएगी कि भाई ये है कौन, एक्सक्यूज मी, हेलो, सुन तो लो। बोलो। सुन तो लो, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ जूते पहन के। तो चलो फिर थोड़ी सी कसरत कराते हैं। कसरत के बहाने हसरत मिटाने वाले बहुत देखे हैं मैंने। मैं आपको इतना गिरा हुआ लग रहा हूँ क्या? हाँ। मैं हूँ बहुत बड़ा शायर। लग तो नहीं रहे। लगेगा नहीं, बहुत बड़ा शायर हूँ। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम इतनी सुंदर लेती हो कहां से, सुंदरता की वो क्रीम है, सुंदरता की वो क्रीम है। अरे सुंदरता बेचते हो क्या आप? हैं, क्रीम बेचते हो? क्रीम बेचता था। अच्छा, अब नहीं बेचूंगा। क्यों? थान मिल गई भाई क्रीम की। भाई क्रीम बनती है यहां से, वहीं मिल गई डायरेक्ट। मैं कह रहा हूं एक्चुअली मैं बहुत बड़ा शायर हूं। तो क्या करूं मैं? हैं, तो क्या करूं मैं? शायरी लिखता हूं और मैं शायरियां सुनाता हूं। वहाँ पीछे जाओगे, मुशायरा हो रहा है क्या? मुशायरा नहीं। हाँ। आप पीछे जाओगे ना, पीछे वहाँ पे झाड़ के पीछे, उधर जो है ना वो झाड़ियों के पीछे, वहाँ पे जाओगी, वहाँ औरतें वेट कर रही हैं मेरा। हाँ, औरतें वेट कर रही होंगी आपका। देखते ही पता क्या बोलेंगी, शायर साहब एक मिनट ले लेते मेरी। क्या? एक मिनट, मतलब खैर खबर ले लेते, खैर खबर ले लेते, खैर खबर तो ले लो। यही सब बातें करते हो क्या आप, उल्टी सीधी? आपका नाम पहले एक बार बताई थी नाम? आप अपना नाम बताओ। हैं, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है, मेरा नाम है पप्लू शायर। कौन सा शायर? पप्लू शायर। फिर से बताओ, फिर से बताओ जरा। पप्लू शायर। ये भगवान, क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप पे, आपकी शक्ल पे शूट कर रहा है। देख भी वैसे ही रहे हो। कैसे? पप्लू जैसे। पकड़ा है कभी? क्या? पप्लू शायर का हाथ पकड़ा है? पप्लू शायर का ऐसे हाथ पकड़ा है कि पप्लू शायर का ऐसे हाथ पकड़ा है आपने? कभी तो पकड़ा होगा। अभी मिले हो ना, पकड़ लो। क्यों पकड़ूं मैं? पकड़ लो, मेरे पास है, मेरी टांगे हैं, मैं खड़ी रह सकती हूं। तो टांगे पकड़ोगी ऐसे करके? ऐसे हाथ पकड़ लो हमारा। हमारा हाथ पकड़ लो इससे अच्छा भाई। तुम्हें मेरे मजे कितनी चिंता क्यों हो रही है? मैं क्या बताऊं, मैं आपको देख रहा था जब से ना, आप ऐसे अकेले खड़ी हो, कभी ऐसे घूम रही हो, कभी वैसे घूम रही हो। चले भाई चल, दबोच, मतलब क्या, चल मतलब चल के बात कर ले, चल के बात कर ले, लड़की के से बात कर ले भाई, क्या परेशानी, क्या परेशानी है, मतलब चल के बात कर ले, चल के बात कर ले। सुनाओ एक शायरी, शायरी सुनाओ, बड़ी प्यारी शायरी, मस्त शायरी है, बहुत प्यारी शायरी है। ये पीछे रंगारंग कर, फिर मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बताता हूँ वो शायरी कहाँ सुनाते हैं, पीछे रंगारंग कार्यक्रम होता है ना वहाँ पे मैं शायरी सुनाता हूँ। अरे मतलब जहाँ पे, अरे डांस वांस होता है ना, रंगारंग कार्यक्रम कहते हैं वहाँ पे, मैं शायरी सुनाता हूँ। मैं तो फोटो भी लगी होगी वहाँ पे, आप गई नहीं हो कभी? अच्छा। हाँ सच्ची बता रहा हूँ।
मुझे जाना भी नहीं है ऐसे रंगारंग कार्यक्रम में। तो रंगारंग कार्यक्रम यहीं कर लेते हैं। क्या मैं शायरी सुना दूं? अरे मैं शायरी सुना तो उससे तो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। शायरी सुनाता ना तो उससे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। शायरी की क्वालिटी सुन लो फिर आगे बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। रंगारंग शायरी। कौन सी शायरी? रंगारंग शायरी नहीं सुननी। उठा पटक शायरी। मुझे उठा पटक लटक पटक कोई शायरी नहीं सुननी। दौड़ा भागी वाली शायरी। अरे आप सुनाए बिना नहीं जाओगे ना। रस भरी शायरी। खत्म। यही क्वालिटी थी हमारे पास। पपलू शायर पेलपुर वाली। ये पेलपुर कहाँ पड़ता है? झाड़ के पीछे चल ना बाद में बताता हूँ। क्या हो गया? जाओ प्लीज जाओ। अरे प्लीज मैं कह रहा हूँ आपसे आप एक बार। आपकी शायरी भी ऐसी होंगी मुझे नहीं। नहीं नहीं शायरी बहुत यार मतलब मैं आपको इतना गिरा हुआ लग रहा हूँ क्या? जब नाम ऐसा नाम जगह ऐसी है तो पता नहीं क्या बोलोगे। शायरी बहुत अच्छी बोलूंगा मैं। मजा आ जाएगा शायरी सुन के। मैं कह रहा हूँ ना जितनी तेज आप हिल रही हो उससे भी डबल हिलने लग जाऊंगी। बस इसमें बस उस वक्त क्या होगा जैसे मुँह से झाग भी निकलेगा कि अरे मैं वैसे बता रहा हूँ यार। एक बार बताओ सही प्लीज बताओ सही क्या नाम है? चस्का लग जाएगा सुन के। इसलिए पहले कुछ पकड़ लो पेड़ वेड़ कुछ पकड़ लो कि भाई सुन के मजा आ जाता है। इतना मजा आ जाता है बहुत। सुनाओ तुम। पीछे रंगारंग कार्यक्रम होता है मेरे नाम का। रंगारंग कार्यक्रम। अरे मतलब ये कहाँ से लाए इतने सारे वर्ड पपलू रंगारंग कार्यक्रम बाप रे। अरे मतलब ये होता है ना ये हमारे मतलब काम है मेरा ये। तुम ये इधर क्या दिखा रहे हो मेरे को? उधर वो जो नहीं मुझे नहीं देख रहा। नहीं वो जो अंधेरे से नहीं वो जो झाड़ियाँ सी है वहीं पे होता है वो काम। बीच में नहीं कर सकते ना। तो रूम्स बने स्मार्ट है। जैसे आप इरशाद मारोगी मेरी शायरी बढ़ती जाएगी आगे। ठीक है ना? ना मारू तो फिर मरवानी पड़ेगी। अरे अरे, अरे मतलब मेरे को किसी और से इरशाद मरवानी पड़ेगी यार फिर। माना मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे आगे है इरशाद पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं। इरशाद माना मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे आगे है पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं। इरशाद इरशाद फ्यूचर में वो आसमान पे जाएगी। फ्यूचर में वो आसमान पे जाएगी पर रात को तो मेरे ही नीचे आएगी। ओ क्या सोच रहे भाई साहब? क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? इधर सुन लो। हाँ क्या हुआ? अरे हुआ क्या? बात तो सुन लो पूरी तो सुन लो। मैं समझ गई आपका खेला। आप जाओ यहाँ से प्लीज। पूरा सुन लो। नहीं सुनना मेरे। अरे पूरी सुन लो। अभी शुरू ही अभी खत्म ही नहीं हुई आपकी शायरी। पूरी सुन लो। नहीं मुझे और नहीं सुनना प्लीज प्लीज। जाओ जाओ जाओ। मेरे नीचे वाले फ्लोर पर रहती है ना। सोचता कैसे भाई एड़े तेरी खोपड़ी पे तो। अरे क्या सोच है भाई साहब? क्या सोच रही थी आप? अरे क्या सोच रही थी आप? इधर देखना 11:30 बजे आ जाना पीछे। 11:30 बजे पीछे झाड़ियों के पीछे वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होता है। अरे रंगारंग कार्यक्रम होता है भाई शायरी सुनाई जाती है बहुत अच्छे लेवल पे। रंगारंग कार्यक्रम होता है वहाँ पे हम शायरी सुनाते हैं। वहाँ पे औरतें आती हैं 4-6। नाच शुरू होता है नाच करते हैं हम लोग। मामा आ रहा हूँ। वो मेरे मामा लंदन में रहते हैं ना। तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों कमाल है तेरा खानदार बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा। जाइए पप्पू शायर आपके मामा हैं। मामा मेरे मामा के पास तो मैं चला जाऊंगा। लंदन में तो रहते हैं कौन सा दूर रहते हैं। तुझे देखकर खड़ा हो जाता है क्या मेरी हसरतों का मीनार। हाँ इरशाद अब तू झुक जरा मैं डाल दूं। वाह तेरे गले में फूलों का हार। इरशाद अब तू पकड़ ले मेरा क्या हाथ हाथ जीवन भर यार। अरे यार मैं दूंगा तुझे दिन रात प्यार दिन रात प्यार। इरशाद तो आ रहा यार इरशाद तू खोल के रखी अपने घर का द्वार अपने घर का द्वार अपने घर का द्वार। इरशाद मैं तुझसे खूब चुसवाऊंगा। आइसक्रीम मेरे यार आइसक्रीम मेरे यार आइसक्रीम मेरे यार। क्या समझ रही थी आप? क्या सोच रही हो जब से जो आप बोल रहे हो वही समझ रही हूँ मैं। ठीक है क्या समझ रही थी क्या सोच रही हो करने में लगे हुए हो।
अजीब चीज़। हाँ। इतनी प्यारी बातें मैंने, इतनी अच्छी शायरी बोली यार, ऐसी बात कर रही हो यार आप यार। अच्छी शायरी है क्या? झमाझम वाली शायरी नहीं थी एकदम? मरी गई मैं सुन के। के वो डरने लगी मेरा बड़ा देख के। अरे अच्छी शायरी है। अरे सुन तो लो। अरे बहुत अच्छी शायरी है। अरे मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा आपको मुझे पता ही लगा ना, जेब में डालने की आदत लगी। अरे सुनो सही, बहुत अच्छी शायरी है आप। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, बहुत अच्छी शायरी है। अरे यार आप वही वाली बात कर रहे हो, लगता है मुझे ना वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे मैं रंग मंच पे बोलता हूँ। वैसे बोल के दिखाऊँ क्या आपको? अरे आप जैसे भी बोलना है बोलिए। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4, 3 किधर है? 3 किधर क्या है? ऐसे बोलते हैं पीछे, रात को 11:30 बजे शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, सभी औरतें अपनी अपनी खोल के बैठ जाएं, चादरें जमीन पे, रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट। ऐसे बोलता हूँ, आया ना आपको लगा ना प्रोफेशनल? अब मैं लगा नहीं, मैं प्रोफेशनल अब। क्या लग रही हो यार टोपी लगा के, तो अब ऐसे हद कर दी आपने। सुनाओ शायरी। नहीं आप जाइए वहाँ। बड़ी प्यारी शायरी, जल्दी रुकना नहीं चाहिए। हंस तो दो यार, हंस दो, बिना तो शायरी में ना एकदम ऐसे चाशनी भर जाएगी भाई, बिल्ली बिल्ली तगड़ी वाली। क्या वो डरने लगी मेरा बड़ा देख के, बोली तेल लगाया कर इस पे बैठ के। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। हो गया आप क्या? अरे शुरू हुई है। अरे बड़ी अच्छी शायरी है यार, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी है। Here is Pappu Shayar coming. बहुत अच्छी शायरी है यार, आप समझ नहीं रही हो। बोलो जल्दी बोलो। रंगमंच भरी शायरी। अपना खत्म करो जल्दी। अपना ही तो खत्म नहीं होता है यहाँ पे। कैसे बात कर दिया आपने बीच में। चलो शायरी सुना रहा हूँ मैं। इरशाद। के वो डरने लगी मेरा बड़ा देख के, बोली तेल लगाया कर इस पे बैठ के। बड़ा लेकर घूमने में होती है परेशानी। अब आप यहाँ से वहाँ पर जाइए। सुना? मरवा। इरशाद। अच्छे से मरवा। इरशाद। खोल के मरवा। ओह ये। इरशाद। सुबह शाम मरवा। इरशाद। चीख चीख के मरवा। इरशाद। क्योंकि जितना तू चीखेगी उतना मजा आएगा, तभी तेरा बॉयफ्रेंड डिप्स मारता जाएगा। क्या सोच भाई साहब, कितना गंदा सोचती है लड़की। जाओ अरे घर जुड़ा हो, गलती हो गई, निकलो। कितना गंदा सोचती हो यार आप। तुम आए थे सुना तो डिप्स की बात हो रही थी, आप क्या समझ रही थी? तुम इतनी देर से लगे पड़े हो, इससे मर वो करवा, उधर मरवा, इधर क्या क्या बोल रहे थे? हम तो डिप्स मरवाने की बात कर रहे थे भाई, बात तो सुन लो पहले पूरी। अपने मन में जो चस्का चल रहा था वो निकाल दिया जैसे करके। अरे सब देखा मैंने भाई आज, बहुत था। तुम ना जाओ, निकलो, आप भरी पड़ी हो, मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसी चीजों से। सुनो, अरे एक बात तो सुन लो। क्या है? कहाँ जा रही हो? अब बताऊँ तुम्हें क्या जा रही हो? अरे चस्का भरा था ना। नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हूँ। अंधेरा है वहाँ, मत जाओ, उधर चलो मेरे साथ। वहाँ अंधेरा है, उधर अंधेरा है, तुम्हारे साथ जाऊँ मैं? अब इतनी चस्के की बात करने के बाद मैं एक बात बोल रहा था आपको, वो देखो, वो देखो, दूर रहो, दूर रह के बात करो। क्यों दूर रहो? मैं नहीं मारता डिप्स, डिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। मैं भी डिप्स की बात कर रही हूं, जो भी बात है। जो आपकी जो ये एडल्ट आध्यात्मिक सोच है ना, इसको प्लीज आप साइड रखें, मुझसे बात करें। एडल्ट आध्यात्मिक सोच मतलब जो थोड़ी वैसी वाली सोच, वैसी वाली सोच मतलब जो अलग सी सोच होती है, डिप मारने वाली सोच। के वो डरने लगी मेरा बड़ा देख के, बोली तेल लगाया कर इस पे बैठ के। वो डरने लगी मेरा बड़ा देख के, बोली तेल लगाया कर इस पे बैठ के। बड़ा लेकर घूमने में होती है परेशानी, इसीलिए आज मैंने गंजा होने की ठानी। ओई रे, ओई भाई साहब, इधर देखना, एक्सक्यूज मी, हाँ इधर। अरे वाह, इधर ना, क्या करी थी आप? अरे सुनो सही, क्या हो गया? अरे हुआ क्या पूरा तो बता दो, हंस क्यों रही है? अरे भाई क्या हो गया?
अरे सुन तो लो, दो नहीं तुमने 15 बात कर लिए मेरे से। बात तो जीवन भर की कर ली है, जो बात थी की नहीं थी, बात थी की नहीं थी, सही बात थी की नहीं थी, सही बताना एक बार, बात थी की नहीं थी, मजा था कि नहीं था, मजा आया नहीं, मजा नहीं आया, मजा आया बहुत ज्यादा, मैं मजे लेती। जाऊँ? जाओ कहाँ? कहीं भी जाओ, क्या ये तेरे से बोला है ना मत जाकर बिना पूछे आगे पकड़िए। अरे फोन, अरे रुमाल पकड़ने के लिए कह रहा हूँ, अरे रुमाल पकड़ने के लिए कह रहा हूँ मैडम। जाऊँ क्या? क्या नंबर दे रही हो? लो क्या वो मोबाइल है? अरे सब चीज पकड़ में आ रही, वही पकड़ में नहीं आ रहा, बस मोबाइल ही, अरे मोबाइल ही पकड़ में नहीं आ रहा मेरा। अरे निकलना यार, देना ये आपका नंबर है जी, अंजलि सेव कर लेना, ठीक है हो गया अब आपका, अब आप निकल जाइए, मैं बैठ जाऊँ, मैं किसी का वेट करती हूँ। नंबर तो दे दिया आपने, इसके लिए मतलब बहुत खुशी हो रही है आज, मैं सही बता रहा हूँ, पहली बार किसी ने दिया यार अपना नंबर। वो आंटी नहीं देती आपको? वो आंटी चूड़ियां तोड़ने वाली, वो डायरेक्ट देती है ना इंस्टाग्राम देती है ना डायरेक्ट, यार हमें नंबर चाहिए होता है वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम देती है। बताओ यार, सो हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, वीडियो दिखा दूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? यस ओके दिखा दूँ? चलो ठीक है, चल चले इंस्टाग्राम तो दे दो, नहीं मजा आ जाएगा। अच्छा नहीं इंस्टाग्राम है? अरे कैसी बात कर, डाउनलोड कर लूँगा अभी प्ले स्टोर से। इस चंडाल को जिंदा क्यों छोड़ा आप लोगों ने? ये जो फोटो है ना आपकी, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अब इस फोटो को, इस फोटो को सीने से यार चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से। अरे सुन, अरे सुनो सुनो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ भाई? अब हो गया बस, अब ज्यादा। अरे मैं मजाक कर रहा था। अरे सुनो, अरे सुनो सही, कहाँ जा रही हो वहाँ, कहाँ जा रही हो? अच्छा मैं यहाँ। अच्छा चलो, अरे सुनो, अरे यार मैं मजाक, अरे यार रुक जाओ, भाग क्यों रही हो आप? सुनो सही, बस हो गया, मैं एक बात कहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे एक बात बताना चाह रहा हूँ, परेशान नहीं कर रहा मैं आपको। आज चैनल है दिल्ली के दिलेर, सो वीडियो दिखा दूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिखा दो, पर पहले मेरे को दिखा दो, पहले आपको दिखा दूँ, ठीक वीडियो दिखा दूँ ना? सो हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, सो वीडियो दिखा दूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हक कर सकती हो। जी कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं बात कर रहे हैं, लड़कियां नंबर दे दे रही है, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, बिल्कुल नहीं। मत तो बोलो अपनी मन की बात, गाड़ी नंबर दे दो, नंबर दे दो, अबे शर्म लिया है कि नहीं है बची है? तो फोन की नहीं, मैं नंबर को ना मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ अपना जरा नंबर टाइप करना जरा। होप गाइस आपको प्रैंक पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ हमारे चैनल दिल्ली के दिलेर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताना आपको सबसे प्यारी शायरी कौन सी लगी। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक अतरंगी वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें आप सबका अपना फेवरेट चैनल दिल्ली के दिलेर।